यहाँ पे ये मैंने सिंपल फंदे डाल दिए हैं, ये नॉर्मल फंदे हैं। जैसे कि आपको अपने प्रोजेक्ट में 100 फंदे लेने हैं तो यहाँ पे आप उसके 50 फंदे ही लोगे। तो यहाँ पे मैंने आधे फंदे डाल दिए हैं। मैंने 84 फंदे रखे हैं तो उसके 42 फंदे यहाँ पे मुझे लेने हैं। 32 फंदे डाल दिए हैं, 10 फंदे और डाल रही हूँ। तो देखिए किस तरह से फंदे डालने हैं वो यहाँ पर मैं बता रही हूँ। नीचे से इस तरह से नीडल इंसर्ट करना है और बुन लेना है। इसी तरह से आपको ये सारे फंदे डाल देने हैं। जितने भी आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे लेने हैं टोटल, उसके हाफ फंदे आप यहाँ डालोगे। डबल बॉर्डर के लिए हाफ फंदे ही डालते हैं। ये मेरे 42 फंदे हो गए हैं। रॉन्ग साइड से मैं इसको स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे पहला फंदा स्लिप करूँगी, बिना बुने निकालूँगी। धागा इस तरह से ले लूँगी और दूसरा बुन लूँगी। फिर से धागा लूंगी, फिर से बुन लूंगी, फिर से धागा लूंगी, फिर से बुनूंगी। इसी तरह से धागा आगे लेके एक एक फंदा बुनते जाना है और आपके ये फंदे बढ़ते जाएंगे। इसी तरह से आपने कंप्लीट सारे फंदे बुन लेने हैं। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई है रो। रॉन्ग साइड से मैंने ये फंदे बढ़ाए थे। अब आपको इसके बाद 4 और 6 सिलाइयाँ इसकी डबल बॉर्डर की बुननी है। अगर 4 बुनना चाहते हैं तो 4 भी इनफ रहती है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा बुनना चाहते हैं तो 6 सिलाइयाँ इनफ होती है। ये मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। पहला फंदा स्लिप करना है। ये यहाँ पर जो ये बड़ा हुआ फंदा है इसको बुनना है, धागा आगे लेके बुनना है। और जो यहाँ पे उल्टा फंदा दिख रहा है इस पर इस तरह से धागा पीछे लेके स्लिप करना है। फिर इसके साथ ये बड़ा हुआ फंदा बुनना है। फिर आपको धागा आगे लेके ये उल्टा फंदा स्लिप करना है, इस तरह से धागा पीछे लेना है और इसके साथ वाला फंदा ये बुनना है। फिर से धागा आगे लेके उल्टा फंदा ये इस तरह से स्लिप करना है, इस तरह से धागा ऊपर से लेना है और ये जो बड़ा हुआ फंदा था इसको बुन लेना है। इसी तरह से आपको कंप्लीट बुनना है। जितने भी आप 4 या 6 सिलाइयाँ बुनना चाहते हैं, 4 भी इनफ होती है। ज़्यादा एक्स्ट्रा चाहिए तो 6 बुन लीजिए। मैंने कंप्लीट कर दी है रो बुन के। अब आपको नेक्स्ट रो में यहाँ पे पहला फंदा स्लिप करना है। इसमें भी आपको इसी तरह से बुनना है। जो ये उल्टा फंदा दिख रहा है इसको स्लिप करना है और सीधा फंदा सीधा बुनना है। उल्टा फंदा स्लिप करना है, सीधा फंदा सीधा बुनना है। फिर से उल्टा फंदा इस तरह से धागा आगे लेके इस तरह पीछे करना है, फिर सीधा फंदा बुन लेना है। फिर से धागा आगे लेना है, फंदे के ऊपर से घुमा के धागा पीछे लेके स्लिप करना है, उल्टा फंदा सीधा बुन लेना है। इसी तरह से आपको एक सिलाई बुन ली है, सेकंड ये चल रही है,
थर्ड और फोर्थ, अगर आप चार बुनना चाहते हैं तो चार बुनिए, अगर आप छः बुनना चाहते हैं तो छः भी बुन सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने चार सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है। अगर आपको ये छोटा लग रहा है तो आप दो सिलाइयाँ एक्स्ट्रा बुन लीजिए इसको। अब आपको इस तरह से नहीं बुनना है जिस तरह से एक फंदा स्लिप करना था और एक बुनना था। यहाँ पे देखिए ये इस तरह से उभरा उभरा सा आ रहा होगा दोनों साइड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप दो सिलाइयाँ और बुन लीजिए इसको। अब आपको इस तरह से बुनना है, जो उल्टा फंदा है उसको उल्टा बुनना है और जो सीधा फंदा है उसको सीधा बुनना है। पहले हम यहाँ पे उल्टा फंदा स्लिप कर रहे थे और सीधा बुन रहे थे, अब आपको दोनों फंदे बुनने हैं। इसकी दो रो आप एक्स्ट्रा बुन लीजिए अगर एक्स्ट्रा चाहिए आपको, ज़्यादा डबल बॉर्डर चाहिए तो इस तरह से बुन लेने हैं, सारे फंदे बुन लेने हैं। पहले एक फंदा बुन रहे थे और एक स्लिप कर रहे थे, अब आपको दोनों फंदे बुन लेने हैं, एक उल्टा और एक सीधा। जो उल्टा है उसको उल्टा बुनना है और जो सीधा फंदा है उसको सीधा बुन लेना है। इस तरह से उल्टी सीधी दो सिलाइयाँ भी कंप्लीट हो गई है। छह सिलाइयों में ये मैंने डबल बॉर्डर बुना है, चार आपको एक फंदा बुनना है और एक स्लिप करना है और दो सिलाइयाँ आपको उल्टी सीधी बुननी है। अब आप इसके बाद अपना नॉर्मल बॉर्डर स्टार्ट कर सकते हैं। ये डबल बॉर्डर मैंने इसलिए डाला है, फिनिशिंग अच्छी आती है इससे, अच्छा दिखता है, इसलिए मैंने ये डबल बॉर्डर डाला है। 42 फंदे मैंने डाले थे, उसके बाद ये इंक्रीज हो गए फंदे और टोटल 84 हो गए हैं। अब आपको इसके बाद यहाँ पे आपको धागा दिख रहा होगा जो हमने छोड़ा था स्टार्टिंग में फंदे डाले थे, इसको इस तरह से निकाल देना है। ये बहुत इजी है, इजीली धागा निकल जाता है इस तरह से, निकाल देना है। बहुत इजीली जो है ये धागा निकल जाता है इस तरह से, देखिए। यहाँ पे लास्ट में पहुँच गई हूँ, यहाँ पे इस तरह से निकालना है। देखिए अब आपको यहाँ पे ये निकले हुए फंदे लग रहे होंगे, अब इस तरह से धागा खींच लेना है हल्के हल्के से। देखिए यहाँ पे धागा खींच लिया है। अब आपको यहाँ पे जितना ही आपको टाइट चाहिए डबल बॉर्डर उतना आप धागा खींच लीजिए, टाइट लूज करना है, खींच लीजिए धागा। उसके बाद आप इसको यहाँ पे नॉट कर लीजिए, यहाँ पे इसको लूज और टाइट जितना भी रखना है उस हिसाब से आप धागा खींच लीजिए।